हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हिल साइफर की थ्योरी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम करते हैं क्या है इसमें। वी कैन वर्क ऑन मल्टीपल लेटर्स एट द सेम टाइम यूजिंग हिल साइफर। मतलब कि अगर हम हिल साइफर का यूज करते हैं तो हम मल्टीपल लेटर्स को एक साथ ही प्लेन टेक्स्ट में से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया था, तो एक मैथमेटिशियन जिसका नाम था लेस्टर हिल, उसने 1929 में हिल साइफर को डेवलप किया था। When we use encryption algorithm, we take the M successive plain text letters and substitute for them in M cipher text letter. The substitution method we determine by M linear equation. मतलब कि हम जो plain text में convert करते हैं, जिसमें alphabets को हम A is equal to 0 up to Z equals to 25, हम ये जो convert करते हैं, उसी हम X M successive plain text को cipher text में convert करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि Ci1, Ci2, Ci3 इज इक्वल टू K11 Pi1 प्लस K12 इंटू Pi2 प्लस K13 इंटू Pi3 अप टू मोर 26। ये हमारा पहला रो है, ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा रो, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरा रो और ये तीसरी कॉलम। अभी हम ये देखेंगे कि उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो Co51, Co52, Co53 इज इक्वल टू K11, K12, K13 यहाँ दूसरी रो में, K21, K22, K23 यहाँ पे, K31, K32, K33 यहाँ पे, P of I1, P of I2, P of I3 मोर 26। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें ऐसे कुछ हमारा फॉर्मूला बन के मिलेगा, Co5 इज इक्वल टू KPI मोर 26। तो हिल साइफर में हम कुछ इस तरह से काम करेंगे। एग्जांपल मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मेरे वीडियो को यहाँ से ही उसका एग्जाम्पल एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।